कमाल है। क्या अरे अरे सर, सर। सर। रही बात? सर अमरीश जी की तो सर मैं आपको एक बात बताता हूं एक नहीं मेरे जैसे सौ एक्टर भी जन्म ले लेंगे ना तो उन तक पहुंच नहीं सकते अमरीश पुरी साहब थे जी उनकी यादें अभी भी जुड़ी हुई हैं और जी। जब जी। भी मैं जी में देखता हूं वो सीन वो परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग लेकिन एक कलाकार ऐसा आया इस आ, फिल्म में आ, आ, जो अमरीश पुरी साहब की याद दिलाता है और ऐसा लग रहा है है कि ओ oh गॉड ये क्या परफॉर्मर उनके बारे में कुछ बताइए देखिए ऐसा था कि ये अमरीश पुरी जी का रिप्लेसमेंट ढूंढना तो इम्पॉसिबल है जैसे मैंने कहा सकीना नहीं हो सकती और अमरीश पुरी इम्पॉसिबल अमरीश जी को तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ और होते तो जरूर इस फिल्म का वो हिस्सा होते और पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ रहा था पूरे हिंदुस्तान ने मुझसे सिर्फ दो ही बातें पूछी एक इस फिल्म का विलेन कौन होगा और दूसरा इस फिल्म का म्यूज़िक कैसा होगा वो गदर वन के म्यूज़िक से मैच कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो मैं बहुत ढूंढ रहा था बहुत सारे ऐसे ही कहानी चल रही थी पिक्चर शुरू होने को आ गई है सब कुछ हो गया है लेकिन करैक्टर नहीं मिल रहा है साउथ से बॉम्बे से बाहर से यहाँ से सारे हिंदुस्तान से कितने स्क्रीन टेस्ट आए कितने लिए और आ, बस नहीं हो पा रहा था तो सनी सर ने मुझे और रवि वर्मा को मनाली बुलाया था हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे देखिए चीज़ें घटती कैसी हैं मैं तो सोचता हूँ ईश्वर नियति रखता है किसी के लिए तो सनी सर भी मुझे बोल रहे थे कि अनिल जी शर्मा जी जब तक ये ये करेक्टर नहीं हो जाए तब तक नहीं है ये है वो है ये हमेशा ओवर कंसर्न होते हैं सनी डेवल साहब जिनका काम है नाम है तो <laughs> अब आ, वहाँ से मैं जब आ रहा था तो रवि वर्मा जी के साथ मैं गाड़ी में आ रहा था रवि वर्मा को मैं बोल रहा था यार बड़ा मुश्किल हो गई है यार नेगेटिव करेक्टर नहीं बोला फिल्म की डेटे हो गई है क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया एक वीडियो दिखाया साउथ की फिल्म का और वो कुछ उसमें पंडित वंडित बने हुए थे तो मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा मैंने कहा बंदा है कौन बोले उसी वक्त इन बंदे से फोन पर बात करा दी मैंने इनका कल तुम आके मिलो मैं सुबह पहुंच रहा हूँ बॉम्बे कल आके मिलो कल आके मिलो और मुझे बहुत अच्छा लगा फिर मैंने सनी सर से इनकी मीटिंग कराई सनी सर ने भी मुझसे कहा कि हाँ ये हिंदी भाषा तो इनको बहुत अच्छी आती है शर्मा जी आप जरा टेस्ट वगैरह ले लो फिर टेस्ट वगैरह इनका किया फिर सनी सर के पास भी भेजा तो वो बंदे हैं मनीष जी तो आप कृपया आइए ऊपर एक बार जोरदार था नहीं चाहिए मनीष के लिए बड़े परफॉर्मर मैं शूट में मौजूद था लखनऊ में भी था और मैंने पूरी स्क्रिप्ट भी सुनी थी नरेशन भी देखा उसके बाद जितने भी सीन्स देखे कमाल है क्या बात है अरे अरे सर सर, सर, सर। भाई कितना प्रेशर था और दूसरी बात यह की आपने कभी सोचा था कि उसी शूज में पैर डालने हैं जहां पर लोग देख चुके हैं एक बार इतने बड़े लेजेंड को ये बहुत मुश्किल था मेरा सौभाग्य है मेरा मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं इनसे मिला सर से मिला और मेरे बड़ों से आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला रही बात अमरीश जी की तो सर मैं आपको एक बात बताता हूं एक नहीं मेरे जैसे सौ एक्टर भी जन्म ले लेंगे ना तो उन तक पहुंच नहीं सकते ये मेरा गुड लक है कि मैं इसमें एक, एक इतनी बड़ी या फिल्म में काम कर रहा हूँ जो ये डर आज भी आप मेरे चेहरे पर देख रहे होंगे तो ये सर हैं और सनी सर हैं इनके गाइडेंस में इतना आसान होता चला गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या काम कर गया तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर गया अब जैसे आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है मुझे उम्मीद है कि इस बार भी देंगे बिल्कुल हंड्रेड परसेंट प्यार देंगे हाथ ऊपर करके